ओबीसी की बात तो देखा जाए तो झारखंड में ज्यादातर तो एससी और एसटी और ओबीसी मतलब वो लोग ज्यादा कर 70% से 80% पॉपुलेशन है। तो बाहर पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में स्वागत है आप सभी को, और उम्मीद करते हैं कि आज इस प्रकार से हम लोग को झारखंड में एक मुद्दा है जो कि नियोजन नीति को लेकर हल्ला बोल चल रहा है। अभी देखा जाए तो सरकार के विपक्ष भी टीका ये कर रहे हैं और सरकार क्या किया है, ये लोग किधर से बात करेंगे, हमको इससे कोई ये नहीं है, ये लोग आज क्या बात करना चाहेंगे, ये नियोजन नीति को लेकर एक कोलान के युवा लोग है, ये लोग बात करना चाहेंगे, सरकार को क्या सवाल करेंगे। आप परिचय पहले दे दीजिए, आप परिचय मत दीजिए, आप इस नियोजन नीति को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं। आज जिस टाइप का नियोजन नीति बना, आज ये नियोजन नीति जो बन रहा है और खारिज भी हो रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य ना अंधकार हो गया है। यहाँ नेता तो हम लोग देख रहे हैं नीति बनाने के लिए हम लोग भेजे, लेकिन आज सही नीति नहीं बनाया, जिसका नतीजा आज नीचे तबका का लोग, ठीक है, जो पढ़ लिख के नौकरी करेगा, चतुर्वर नौकरी फोर्थ नौकरी करेगा, उसका फ्यूचर अंधकार में है। इस हिसाब से नियोजन नीति को आप बोले कि ये सही नहीं बनाया, आप हम पूछना चाहेंगे कि पहले ये नियोजन नीति का आधार क्या था। आधार देखिए, यहाँ पे जो इनका जो अभी जो हेमंत सरकार ने जो बनाया नीति था, यहाँ का 10+ था, ठीक है, उस आधार बनाया था, लेकिन संविधान का हिसाब से अगर देखा जाए तो सबका समानता का अधिकार है, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, चाहे हाई कोर्ट ने खारिज किया। वही कहना चाहेंगे, इनको ये देखा जाए तो युवा को समझ में नहीं आ रहा, हमारे यहाँ के आपका यहाँ कोलान के कई विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री के कई आईपीएस ऑफिसर वगैरह हैं, क्या वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस बारे में ऐसे होता है। देखिए, हमेशा ये मुद्दा बन के रहा जाए, यही उम्मीद लेके जनप्रतिनिधि अपनी नीति बनाता है। अगर इसीलिए अपना बेटा को जिस दिन अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक है, उस दिन उसको समझ में आएगा, क्योंकि उसका बेटा को प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा है, विदेश पढ़ने भेज रहा है, ताकि पढ़ के आने के बाद विदेश से पढ़ के आएगा, उसके बाद अपना प्राइवेट खोलेगा, यही उम्मीद लेके काम कर रहे लोग, आगे भी आपके पास आएंगे, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस नीति पर। देखिए, ये जो नियोजन नीति बनी है, इसका अगर देखा जाए तो झारखंड हित में जिस चीज को आधार मान करके बनानी चाहिए वैसा नहीं बना, और जिस प्रकार से जो हाईकोर्ट ने हमारा आदेश दिया है, ये सम्मान करते हैं, ये चीज़ होनी ही चाहिए। जो भी नियोजन नीति बनता है, झारखंड में किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या फिर जाति विशेष को लेकर के नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कई भाषाओं का समूह, कई जातियों का समूह है, सब चीज़ों को जो है सभी वर्गों को आधार मान करके सामने आनी चाहिए। और रही बात 10th और 12th की, जो है 10th और 12th के आधार पर नियोजन नीति कभी नहीं बन सकता है। अगर नियोजन नीति ही बनानी हो तो आधार मान लीजिए, खतियान को आधार मान लीजिए, चाहे इसका कट अपडेट कुछ भी हो आप देख लीजिए, उस पर आधार बना लीजिए, फिर उसके बाद आप बना लीजिए, इतना आराम के साथ ये जो बिल बनेगी, ये कानून जो बनेगी, सब कोई जो है आराम के साथ दिल में स्वीकारेंगे। इस हिसाब से अभी माननीय हमारे हेमंत सरकार ने कहा था कि पहला कलम से 5 लाख नौकरी दे दूंगा, है ना, तो आप नियोजन नीति अभी उनका अस्वीकार हो गया, क्या आप लोगों को 5 लाख नौकरी मिल पाने का संभावना है। उम्मीद तो थी, क्योंकि आज जो 2021 है ये नियुक्ति वर्ष घोषित हुई थी। देखा जाए तो राज्य सरकार ये चीज कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय निधि को बनाया और उन्होंने कहा कि 9th शेड्यूल में जब तक इसका बिल पार नहीं होगा तब तक ये चीज घोषित नहीं हो सकती, लेकिन ये जो आज जो नीति लागू होनी चाहिए थी, ये राज्य सरकार अपने आप में क्षमता रखती है कि इसको हम लागू कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज यूपी बिहार उड़ीसा में जिस प्रकार से नियोजन नीति लागू है स्थानीय निधि को देखते हुए, तो सरकार ये चीज नहीं चाहती है कि यहाँ पे बाहरियों को नौकरी मिले, लेकिन यहाँ की हेमंत सरकार जो है उनको बस युवाओं को बरगलाना है, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि युवाओं को 5 लाख का रोजगार दिया जाएगा, इस वजह से उन्होंने ये जो कहा था इसको संपूर्ण करने के लिए बस ये एकमात्र छलावा है। तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं, मतलब आप लोग मांग कर रहे सरकार जो आप लोग को बोला है, तो आप लोग इस पर क्या क्या बोलना चाहेंगे इनको, अभी क्या करने के लिए करना चाहेंगे, मतलब आप क्या जवाब देंगे उसको। देखिए, अभी तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार से न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16(4) का इसमें उल्लंघन साफ साफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको वहां भी रद्द होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि और हम सभी जो झारखंड के जो भी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभी लड़ रहे हैं और रोजगार की तलाश में है, हम सबको मांग करना हो कि पहले सबसे पहले नियोजन नीति को सबसे पहले सुधारा जाए, नियमावली में सुधार लाया जाए, ताकि जो आने वाले वर्षों में हमारे झारखंड के छात्र हैं इस
ये से वंचित ना हो। देखा जाए तो 2 से 3 साल तो वर्षे बीत गया, अब कब नियोजन नीति तय होगा और कब बनेगा, कब ये नौकरी मिलेगा? टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जब गठित हुई यहाँ पे उन्होंने साफ मायने पे कहा कि जो वहाँ की आदिवासियों की जो रीति रिवाज को देखते हुए यहाँ के कोलम 15A में जो कहा गया था उसको देखते हुए उन्होंने जब बनाया तो साफ जाहिर हो रहा था कि ये लोग करेंगे, बट यहाँ पे बीजेपी की मंशा अलग है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ पूरी तरह से, अभी उसका खंडन नहीं करूंगा, अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी को बात करूंगा बस। अभी हम जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन युवा इसमें प्रभावित हो रहे हैं, इस ये नियोजन नीति जो कारिज हुआ इसमें कौन कौन सा मतलब दिक्कत किसको किसको सामना कर, कौन कौन सा एग्जाम को सामना करना पड़ रहा है कि हमारे हम लोग एग्जाम लिख रहे थे लिखने वाले थे, क्या क्या समस्या हुआ है? देखिए समस्या तो बहुत आया है, ठीक है, बोले से जैसे कि अभी JPSC वगैरह था अभी, ठीक है, बहुत सा एग्जाम था अभी, ठीक है, ये सारा पेंडिंग हो गया। सब युवा ना कि अपना उम्र का भी चिंता है और उम्र के साथ साथ में ना अभी युवा लोग शादी ब्याह करने का भी सोच रहा है, तो यह बहुत बड़ा समस्या हो गया। तो जितना अभी युवा हमसे बात हुआ तो बोलता है कुछ सुसाइड कर लेंगे, बोलता है सरकार का नीति की वजह से। तो मैंने उनको बोला कि यार नीति के खिलाफ नहीं, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कितना भी आया इनके पास ना नेता है ना नीति है, इसी की वजह से आज युवा का फ्यूचर अंधकार में है। फिर आगे भी आपके पास आएंगे, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी नियोजन नीति रद्द हो गया है, अभी 1932 का खतियान को पटल पे रखा है, केंद्र सरकार के द्वार में रखा है, इसको पारित करो, आप क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि 1932 का खतियान भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, चाहे केंद्र सरकार इसको खारिज कर देगा, क्या आप सोचते हैं? देखिए अगर हम बात करें किसी भी नियम और नीति अगर बनती है और ये आपको आप सबको पता है कि जहाँ ये लोकतांत्रिक देश में लोग की मांग जो है आपको उसी चीज़ को मानना होगा। अगर ये मांग करती है जिस प्रकार से जनताओं ने झारखंड की जनताओं ने जो दबाव दिया सरकार को उसको मजबूरन देना पड़ा, आज जो है खतियानी जोहार के नाम पे अलग अलग क्षेत्र में अपना कैंपिंग चला रहे हैं, हालांकि अब जितना काम नहीं किए उतना ज़्यादा जो हवा हवाई में अपना समय बिता रहे हैं, यही चीज़ पे आज अगर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, आज नियोजन नीति में बहुत सारे लोग प्रभावित है। बात करें जो नौकरी के नाम पर जो कट ऑफ डेट पे बॉर्डर में जो खड़े हैं उसका क्या होगा, अभी अगर बात करें कोई बाहर से जो मैट्रिक लिखे हैं उन लोग जो बाहर हो रहे थे उन लोग को मौका मिले, इसके लिए स्वागत योग्य है, जिस प्रकार जो हमारे न्यायालय जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। और इसमें ज़्यादातर अगर प्रभावित हो रहे थे तो ज़्यादातर विशेष किसी पार्टिकुलर किसी एक समूह को किसी वर्ग को देखा रख करके किया गया। हम बात करें जितना भी आरक्षण कोटे से आते हैं SC ST OBC इन लोग में इन सभी में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा था जितना जनरल कैटेगरी में हो रहा था। इसके लिए देखिए झारखंड में किसी पार्टिकुलर एक जैसे कि हम ST की बात करें OBC की बात तो देखा जाए तो झारखंड में ज्यादातर तो SC और ST और OBC मतलब वो लोग ज्यादा कर 70% से 80% पॉपुलेशन है, तो बाहर के लोगों के लिए क्यों किया जाएगा, ये झारखंड है तो झारखंड को लोगों को करना चाहिए। देखिए बाहर का बात नहीं, हमारे झारखंड में भी जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन लोग का क्या होगा, इसीलिए बाहर वाले को रोकने के लिए आपके पास दो विकल्प है, एक तो खतियान को आधार मानिए और दूसरा झारखंड के जो 9 भाषा है इसको एक बॉर्डर लाइन में बना लीजिए, बस आपका झारखंड और बाहर वाले जो पूरा का पूरा बॉर्डर लाइन बन जाएगा। यही दो चीज आप आधार मान के जो भी नियोजन नीति बनाइए शिक्षा नीति बनाइए सबका सब आपके पास सुरक्षित है। आज अगर कोई छात्र अगर आज रोड में उतर करके नेतागिरी कर रहे हैं या फिर रोड में उतर करके आंदोलित हो रहे हैं ये आपके लिए खतरे हैं। आज जिनको किसी स्कूल में किसी कार्यालय में किसी +2 में किसी हाई स्कूल में उसको नियोजन दे दीजिए, बाकी आप 50 साल तक राज करते रहिए, आप तो उनको बनाने में साथ दे रहे हैं। इसलिए समय रहते हुए अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं युवक युवतियां उन लोग को नौकरी दे दीजिए, 50 साल तक राज कीजिए। आगे जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग का युवा लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सरकार को संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि किस प्रकार को आना चाहिए, और खतियानी यात्रा को आप क्या किस प्रकार देखते हैं? खतियानी यात्रा एक प्रकार का सरकार अपने तो किया नहीं, क्लियरेंस किया नहीं, ठीक है, पहले ही लोगों को बुड़वा बना रहे हैं। अगर सरकार नीति बना के क्लियर करता उसके बाद अगर आता तो जनता रोड पे आता। आज जितना भी अगर नीति पे नीति वाला प्रोग्राम में जितना लोग आ रहा है ना वो लोग भाड़े पे लोग आ रहे हैं, आने वाला है इसलिए आएगा, क्योंकि अगर जिस दिन नीति बनेगा सरकार को आना नहीं पड़ेगा, जनता खुद आएगा।
स्वागत करने के लिए। मतलब ये खतियानी जो यात्रा चल रहा है ये मतलब जनता को लुभाने के लिए और कुछ नहीं है, आपका ये कहना है? अगर मान लिया तो खतियान अगर लागू हो जाता है उसके बाद अगर खतियानी यात्रा करता तो ये सबसे अच्छा मानते आप? सबसे अच्छा, अगर खतियान अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है उसके बाद जनता के बीच में आता तो जनता स्वयं उनको स्वागत करने के लिए आता और युवा भी साथ में आता उनके जो स्वागत करने के लिए। और अभी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आगे? देखिए जाहिर सी बात है कि झारखंड जो है इसमें अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था। खासतौर पर हम अभी आज कोल्हान की धरती पे हैं, कोल्हान की धरती वीरों की धरती कहलाती है और यहाँ पे सर्वे सेटलमेंट अगर अंतिम देखा जाए तो ये 64 की यहाँ पे होती है, 1964 की। इसको लेकर अगर आधार देखा जाए तो हमें 1932 या तो फिर 1911 और 13 को देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से जब हेमंत सोरेन ने जो 1932 खतियान को चुनाव में मैनिफेस्टो के लेकर यहाँ पर बात रखी कि हम 1932 खतियान लागू करेंगे और आज तक विधानसभा में ये चीज़ पारित हो गई, कैबिनेट में पारित हो गई, लेकिन आज केंद्र सरकार द्वारा इनको पारित करने के लिए जब तक नवी अनुसूची में जगह नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जो दोषी किसको मानते हैं, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? देखिए जाहिर सी बात है कि मुद्दा यहाँ से उठा है, हमारे झारखंड हमारे राज्य से उठा है। तो यहाँ पे जो इसको लाए हैं नीति को हेमंत सोरेन, इसको बखूबी ठीक से पटल पर धरातल पर लेकर नहीं गए और इसको डायरेक्ट यहाँ के युवाओं को जब उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये चीज़ लागू करेंगे, इसको बस बरगलाने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए, क्योंकि अगले 2024 में भी इलेक्शन में भी ये उसको आधार बनाकर इसमें इलेक्शन लड़े और यहाँ पे बहुमत हासिल करे, इसको लेकर उन्होंने किया था। तो मैं इस पर मोटा मोटी इस पर मैं दोषी हेमंत को ही कहूँगा, क्योंकि केंद्र को तो 1932 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 1932 का जो दायरा है ये झारखंड तक ही सीमित है। हम लोगों ने जिस प्रकार से बात किया आज नियोजन नीति को लेके, चाहे स्थानीय नीति को लेके युवाओं से बात किए, ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ का सरकार नीति सही नहीं बनाया है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का युवाओं से और भी आप लोगों को मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज को आप लोग इन सभी का आवाज को जिन जन जन तक शेयर करें और भी युवाओं तक शेयर करें और भी युवाओं का आवाज आए। इतने का जो ये पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में हम सभी की ओर से जोहार, धन्यवाद।